देखिए दोस्तों, आज अपना एक न्यू टॉपिक है, शिक्षण प्रणाली क्या है, मानव संसाधन विकास में शिक्षा का एक कारक। देखिए, पूछा जाता है कि मानव संसाधन के बारे में बताइए। देखिए, बच्चों मनुष्य के सर्वोत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों में सर्वांगीण विकास शिक्षा से है। महात्मा गांधी ने देखिए बात कही थी। देखिए, जिस तरह प्रकृति से प्राप्त कच्चे उत्पाद कम उत्पादक होते हैं, उसी तरह जैसे मानव संसाधन जिनमें कुशलता की कमी है, वे भी अर्थव्यवस्था में सीमित है योगदान करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मानव संसाधन को आवश्यकता अनुरूप विकसित किया जाए। मानव संसाधन इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है, जिसके माध्यम से मानव में अक्षय दक्षता और कुशलता विकसित की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने परिभाषा हो गई थी। देखिए, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की उपयोगिता क्या क्या है। देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, शिक्षा अर्जित करना, तो शिक्षा का क्या महत्व है, मानव संसाधन के विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। देखिए, पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट मैंने बनाए हैं, एक्चुअली मैंने पॉइंट करके डिफाइन किया इसको। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में बुद्धि और तर्क का विकास होता है, जिससे व्यक्ति बेहतर ढंग से निर्णय ले पाता है। शिक्षा के माध्यम से मानव में अपेक्षित कौशल का विकास होता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट देखिए अपना। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के विचारों को बेहतर ढंग से समझ सकता है, साथ ही अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकता है। देखिए, पॉइंट सब आपको डिफाइन हो गए होंगे कि पॉइंट अपने आप में क्या कह रहे हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा मानव की कुशलता में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाती है, जिससे अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर पाती है। फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षा से बेरोजगारी की दर में कमी आती है और इसमें गरीबी के निवारण में सहायता मिलती है। सिक्स पॉइंट अपना दोस्तों, शिक्षा उद्योगों की मांग अनुरूप कौशल प्रदान कर रोजगार और उद्योगों के बीच असंतुलन को कम करती है। देखिए, अब इसके अपन बात करते हैं मानव संसाधन विकास और शिक्षा से संबंधित समस्याएं। मानव संसाधन विकास और शिक्षा से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, मैंने कुछ तीन पॉइंट चार पॉइंट बनाए हैं। भारत में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे गुणवत्ता युक्त न होना, अर्थात सैद्धांतिक ज्यादा और व्यवहारिक कम होना। देखिए, मेरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण के कारण सामान्य जनता इस महंगी शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ। देखिए, ये पॉइंट आपका अपने आप ही रूबरू डिफाइन हो रहा है। देखिए, निजीकरण हो गया है शिक्षा का और व्यवसायीकरण हो गया है, ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज, अधिक पैसे फीस ली जाती है। हर पॉइंट आपको डिफाइन कर। भारत में एक बड़ी जनसंख्या गरीबी होना, जिससे इन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा देने के बजाय परिवार के कार्यों में हाथ बढ़ाने हेतु प्रेरित करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, वर्तमान में दी जा रही शिक्षा उद्योगिक आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण असंतुलन का होना। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए दोस्तों, शिक्षा के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव यथा पर्याप्त मात्रा में स्कूलों का न होना, छात्र शिक्षक अनुपात अधिक होना। छठा पॉइंट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव आदि। देखिए, भारत में शिक्षा संबंधित किए गए प्रयास क्या क्या हैं। देखिए, सभी वर्गों और क्षेत्रों को शिक्षा की परिधि में लाने के उद्देश्य से शिक्षा को अधिकार के माध्यम से अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। देखिए, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना, अनुदान आदि। थर्ड पॉइंट है, शिक्षा को व्यवस्थिकता से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवसाय संस्थान जैसे ITI, पॉलिटेक्निक आदि स्थापित किए गए हैं। और राज्य सरकार द्वारा इनके योजना इस अनेक योजनाएं जिसके द्वारा निःशुल्क गणवेश, पाठ्यक्रम, साइकिल, पुस्तकें वितरण की जाती हैं। और देखिए, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा क्या है। बुनियादी शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देती है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना में दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बुनियादी शिक्षा कर्म द्वारा सीखने की एक प्रक्रिया है, जो हाथों, ज्ञानेंद्रियों, मस्तिष्क के मध्य एक समन्वय संबंध, प्रत्यक्ष कर्म और वस्तु निर्माण द्वारा प्राप्त ज्ञान, पुस्तक पढ़कर और भाषण सुनकर प्राप्त होने वाले ज्ञान की अपेक्षा अधिक सजीव और स्थायी होती है। देखिए, बुनियादी शिक्षा की कुछ मैंने विशेषताएं बताई है। बुनियादी शिक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक बल देती है। बुनियादी शिक्षा में शारीरिक परीक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट है, बुनियादी शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं कर पाता है। और फोर्थ पॉइंट है, बुनियादी शिक्षा अहिंसा पर आधारित होती है, जो बिना किसी हिंसा के शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। बुनियादी शिक्षा सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का समय है समन्वय है, अर्थात जो बातें सैद्धांतिक तौर पर बताई जाए उनका व्यवहारिक ज्ञान कराया जाए। दोस्तों, देखिए, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता में संबंध देखिए।
शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता परस्पर निर्भर है। एक ओर सामाजिक गतिशीलता शिक्षा को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक गतिशीलता शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की धारा दोनों ओर या तो ऊपर या नीचे की ओर प्रभावित होती है, परंतु शिक्षा के कारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में अग्रसर होती है। इस प्रकार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में निरंतर गतिशील रहती है। देखिए, आपको पता है शिक्षा मानव जीवन जो है, आपको अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सामाजिक गतिशीलता के शिक्षा की क्या भूमिका है, निम्न भूमिका मैंने यहाँ बताई है। देखिए, जो व्यक्ति साक्षर होता है वह निरक्षर व्यक्ति की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त करता है। उसे निरक्षर की तुलना में अधिक ज्ञान के कारण उसकी गतिशीलता भी अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, साक्षर व्यक्तियों की अनेक श्रेणियां होने के कारण उच्च शिक्षा वाला व्यक्ति अपने से कम शिक्षा वाले की तुलना में अधिक गतिशील होता है। और थर्ड पॉइंट है, आज की शिक्षा व्यवसायिक पर है, अतः जिस शिक्षा में व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा हो उसे व्यवसाय की समाज में गतिशीलता अधिक होती है। और फोर्थ पॉइंट है, देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त शिक्षा छात्रों की सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित करती है। जो छात्र कक्षा में सर्वोच्च अंकों में उत्तीर्ण होता उसकी गतिशीलता अधिक होती है। ये पॉइंट अपने आप में डिफाइन है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं। और देखिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है। विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार के परिवर्तन में प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ मानवीय परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मानव विभिन्न कारणों द्वारा समाज में परिवर्तन लाता है, वह सार्वभौमिक कारक शिक्षा है। शिक्षा व्यक्ति को निश्चित कर समाज में प्राप्त कुरीतियों को दूर करने में सहायक होती है, जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उसी तरह शिक्षा व्यक्ति के जीवों, पेड़ पौधों के प्रति दया भावना का विकास कर पर्यावरण संरक्षण में सहायिका की भूमिका अदा करती है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है आपको मैंने बताया। शिक्षा व्यक्ति के विभिन्न धर्मों की स्थिति को समझने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति को अन्य धर्मों की संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागृत होता है, तो साथ ही लोकतंत्र में सही व्यक्ति का चुनाव कर देश के नीति निर्माण में अपना योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने शिक्षा के बारे में, बुनियादी शिक्षा के बारे में जो चर्चा थी मैंने आपसे की। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।